गेंदबाज सोनू, सामने है बल्लेबाज बंटी। बंटी बॉलर को सम्मान देते हुए चले हैं गेंदबाज सोनू। एक बार फिर सामने है बल्लेबाज बंटी। हल्के हाथों से ढकेला है बंटी ने। जब तक फील्डर फील्ड करता, दोनों ही बल्लेबाज एक रन से संतुष्ट, अपनी अपनी क्रीच में सुरक्षित। और खाता खुलता हुआ रेलवे कॉलोनी का। अब क्रीच पर है रोहित। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे पर बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। गेंदबाज सोनू काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने गोटे के पहले ओवर में। और गिल्लियां बिगड़ती हुई, गेंदबाज एक सफलता प्राप्त करते हुए। जी कौन आ गए भैया, बल्लेबाज कौन आ गया भैया? बल्लेबाज आए हैं आकाश। गेंदबाज सोनू एक सफलता प्राप्त करने के बाद फिर चले हैं एक बार बल्लेबाज अनिल। अनिल ने हल्के हाथों से ढकेला है, फील्डर ने फील्ड कर अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो बल्लेबाज अनिल को अपने डक आउट आउट ना होता, पर अपनी क्रीज में सुरक्षित। अब क्रीज पर है धाकड़ बल्लेबाज बंटी, लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर। और बंटी ने उठाकर खेल दिया है, बॉल जाती हुई वन बाउंस फोर रन्स और ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर जूनियर रेलवे कॉलोनी। गेंदबाज साहिल अपने घोड़े का पहला और अपनी टीम का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। सामने है बल्लेबाज अनिल और अनिल ने उठाकर खेल दिया है, बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। हल्के हाथों से ढकेला है, फील्डर जब तक फील्ड करता, दोनों ही बल्लेबाज अपनी क्रीज में सुरक्षित। अब है सामने बंटी, बंटी ने उठाकर खेला है, बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बंटी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और एक अतिरिक्त बॉल, गेंदबाज जैसा भटकते हुए। अगर बंटी सेट हो सकते हैं, फिर उठाकर खेला है, बॉल जाती हुई फील्डर के हाथों में। बंटी को जाना होगा अपने डग आउट, दूसरा झटका लगता हुआ रेलवे जूनियर को। अठारह रन के नुकसान पर
अब क्रीज पर होंगे बल्लेबाज दुर्गेश और ये टीम के कप्तान हैं। अपनी कप्तानी पारी खेलनी होगी अगर टीम को जीत दिलानी है। गेंदबाज साहिल चले हैं और दुर्गेश ने हल्के हाथों से टकेला है पर फील्डर ने उतनी अच्छी फील्ड नॉट आउट। गेंदबाज साहिल फिर चले हैं एक बार सामने है बल्लेबाज दुर्गेश उठाकर खेलना चाहते थे पर बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं और ओवर की समाप्ति। अनिल ने उठाकर खेला है बॉल जाती हुई फील्डर के हाथों में फील्डर जब तक फील्ड करता दोनों ही बल्लेबाज एक रन से संतुष्ट। फिर चले हैं गेंदबाज सामने है बल्लेबाज उठाकर खेल दिया है बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की प्रगति पर। फिर से खेल दिया है बॉल जाती हुई जब तक फील्डर फील्ड करता दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी क्रीज में सुरक्षित। गेंदबाज अखिल फिर चले एक बार सामने है बल्लेबाज अनिल खेलना चाहते थे पर हेड बॉल और बैट गेंदबाज फिर जाएंगे सीमा रेखा के बाहर 4 रन और ओवर की समाप्ति। अब गेंदबाज आए हैं गौरव अपनी टीम का चौथा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर सामने बल्लेबाज अनिल उठाकर खेलना चाहते थे पर बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं डॉट बॉल। गौरव फिर से ले एक बार सामने बल्लेबाज अनिल उठाकर खेल दिया है बॉल जाती हुई जब तक फील्डर फील्ड करता दोनों ही बल्लेबाज एक रन से संतुष्ट अपनी अपनी क्रीज में सुरक्षित। उठाकर खेल दिया है फील्डर के हाथों में अगर डायरेक्ट हिट होती तो बल्लेबाज को अपने डग आउट जाना होता
पर अपनी क्रीज में सुरक्षित। फिर से लेंगे गेंदबाज एक बार, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने है बल्लेबाज अनिल।
पर बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज रोहित। गेंदबाज बल्लेबाज को जगाते हुए गेंदबाज रोहित काफी वेरिफिकेशन करते हैं। गेंदबाज पर अब जाना होगा बाउंड्री लाइन के बाहर। सहरन स्कोर बढ़कर पहुंचा है 111 रन। एक वापसी करते हुए गेंदबाज डॉट के साथ। एक और डॉट बॉल और ओवर की समाप्ति। सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 111। चार विकेट के नुकसान पर वीर सावरकर बाट। अब गेंदबाज आए हैं प्रेम। अपनी टीम का आठवां और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज प्रेम। सामने है बल्लेबाज सोनू। सोनू ने फिर उठाकर खेल दिया है बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। छह रन। सोनू काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट करते हुए। फिर चले एक बार गेंदबाज। फिर उठाकर खेलना चाहते थे पर बैट और बॉल में खासा ताजमेल नहीं हो पाया तो एक ही रन से संतुष्ट होंगे। गेंदबाज प्रेम फिर चले एक बार। सामने है बल्लेबाज अनिकेत। एक दिशाहीन गेंद और एक अतिरिक्त रन बाय का। प्रेम फिर चले एक बार। सामने है बल्लेबाज सोनू। सोनू ने फिर उठाकर खेला है बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। छह रन। प्रेम काफी महंगे साबित होते हुए अपने कोटे के पहले ओवर में। दर्शक बॉल को ग्राउंड पर पहुंचा दें। लेग साइड पर जो भी दर्शक हो वो बॉल को ग्राउंड पर पहुंचा दें। काफी सहयोग बना रहता है उनका। प्रेम फिर से लें एक बार। सामने है बल्लेबाज सोनू। फिर खेला हल्के हाथों से पर अजर द्वारा उतनी ही अच्छी फील्ड। सोनू ने फिर उठाकर खेला है बॉल को सीधा सीमा रेखा के बाहर। छह रन और ओवर की समाप्ति। आठ ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 132 रन। चार विकेट के नुकसान पर वीर सावरकर बाट। गेंदबाज रोहित। सीधे जाएंगे सीमा रेखा के बाहर। सहरन बल्लेबाज दोनों ही साइड से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। वापसी करते हुए गेंदबाज रोहित। एक लेग बाय के रूप में अतिरिक्त रन।
अब बल्लेबाज है सोनू, गेंदबाज वापसी करते हुए दो डॉट बॉलों के साथ फिर उठाकर खेला है, बॉल जाती हुई सीधी पोस्ट ऑफिस। बल्लेबाज ने फिर उठाकर खेला है पर फील्डर से दूर, बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, छह रन। बल्लेबाज सोनू शतक से चार रन दूर। दर्शक बॉल को ग्राउंड पर पहुंचा दें, पहली शतक लगने जा रही है। और बल्लेबाज सोनू जाना होगा अपने डग आउट, शतक से चार ही रन दूर थे। एक सफलता प्राप्त करते हुए गेंदबाज रोहित सोनू के रूप में। नौ ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 151 रन 5 विकेट के नुकसान पर वीर सावरकर बाट। बैट्समैन नेम बिक्की। अब गेंदबाज आए हैं मंटू, सामने है बल्लेबाज अनिकेत। पहली ही दिशाहीन गेंद मंटू द्वारा, मंटू एक बार फिर चले हैं। और एक डॉट बॉल, मंटू फिर चले हैं एक बार, सामने है बल्लेबाज अनिकेत। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उठाकर खेलना चाहते थे पर बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। थमा हुआ स्कोर 152, 10 ओवर की प्रगति पर। और एक और डॉट बॉल और एक अतिरिक्त रन बाय के रूप में। गेंदबाज मंटू फिर चले हैं एक बार, बल्लेबाज को सकाते हुए। दस ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 153 रन 5 विकेट के नुकसान पर वीर सावरकर बाट। मंटू काफी सफल ओवर फेंकते हुए अपनी टीम के लिए, दो रन खर्च करे हैं मंटू ने अपने ओवर में। काफी सफल गेंदबाज।
अब गेंदबाज प्रेम ग्यारहवा ओवर लेकर आए हैं और अपने कोटे का दूसरा। प्रेम चले एक बार सामने है बल्लेबाज अनिकेत, सीधा भेजेंगे पोस्ट ऑफिस में। बॉल को डिपॉजिट करते हुए बल्लेबाज अनिकेत छह रन के लिए। फिर चले एक बार गेंदबाज और हल्के हाथों से ढके उला है फील्डर जब तक फील्ड करता। दोनों ही बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित, दो रन से संतुष्ट। प्रेम फिर चले हैं और एक डॉट बॉल और अतिरिक्त लेग बाय का रन। काफी महंगे साबित होते हुए रेलवे कॉलोनी के बॉलर फिर उठाकर खेला है। और मां साहब एक कैच छोड़ते हुए और एक और कैच लटकता हुआ। और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। ग्यारह ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 162 रन 5 विकेट के नुकसान पर वीर सावरकर बाढ़। अब आए हैं गेंदबाज मंटू अपनी टीम का आखिरी और अपने कोटे का। और अंतिम छह गेंदे आना शेष्ट और एक और डॉट के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज मंटू। अपनी टीम के सफल गेंदबाज काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बॉल कहीं बैठ गई। फिर चले एक बार गेंदबाज रिवर्स स्वीप खेला है बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर चार रन। स्कोर बढ़कर पहुंचा 166 रन। मंटू फिर चले एक बार फिर खेला है स्विच हिट पर एक ही रन से और रन आउट होते हुए बल्लेबाज। अब बल्लेबाज आए हैं गौरव चले हैं गेंदबाज मंटू
हल्के हाथों से खेलना चाहते थे बल्लेबाज, पर कुछ समझ नहीं पाए। और अंतिम बॉल आना शेष, और एक शानदार सिक्स लगाते हुए बल्लेबाज अंतिम गेंद पर, और 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 172 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जब तक फील्ड की जाती, एक रन आसानी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो अगली बार सोनू अपने बॉलिंग मार्क्स से एक बार फिर पटकी हुई गेंद उड़ा कर खेला, बॉल सीधी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन 2 ओवर की समाप्ति। तो हमारे बीच हमारे बड़े भाई कमली राय जी भी आ चुके हैं, तो उनका भी स्वागत। तो स्कोर बढ़कर पहुंचा, तो स्कोर बढ़कर पहुंचा 86 रन। एक बार फिर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार से साहिल सामने हिचरा, पटकी हुई गेंद दिशा से भटके, एम्पायर का सारा वाइड बॉल। तो हमारे बड़े भाई कमली राय जी का स्वागत करते हुए, अगली बार साहिल अपने बॉलिंग मार से पटकी हुई गेंद उठाकर खेला, वहां पर सोनू मौजूद। जब तक फील्ड की जाती, एक रन आसानी से पूरा किया, तो अगली बार साहिल अपने बॉलिंग मार से एक बार फिर काफी अच्छी गेंद, बल्लेबाज को छकाया सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, बैक टू बैक वापसी। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार से उड़ा कर खेला, देखना होगा सीधे 6 रन। तो दर्शक कृपया बॉल ग्राउंड पर फेंक दें, अभी सहयोग प्रदान करते हैं दर्शक इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। अभी अच्छा शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड की जाती, एक रन आसानी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक बार फिर चिराग को कर दी वापसी अपने डग आउट की ओर, लगने वाला एक और झटका। जूनियर रेलवे कॉलोनी लगने वाला चिराग के रूप में एक और झटका, काफी अच्छी बल्लेबाजी करी चिराग। अब चिराग का स्थान लेने आ रहे हैं शुभम, धाकड़ बल्लेबाज शुभम। अब क्रीज पर होंगे ताकड़ बल्लेबाज शुभम चाचा। और गेंदबाज है साहिल। हेलो हेलो, गेंदबाज बल्लेबाज चाचा, काफी अच्छी गेंद और नो बॉल, नो बॉल का इशारा।
चचा को एक फ्री हिट, जैसा नाम वैसा काम, शुभम चचा फ्री हिट बॉल के साथ। एम्पायर से किसी भी तरह की बहस ना करें, एम्पायर करने से शर्माने होगा, चील गिने गाए हमारे दोनों ही एम्पायर एंड्रू फ्लैंटम। साहिल एक बार फिर, काफी अच्छी गेंद पूरी तरह से चूके सुबह, और ओवर की समाप्ति। तो प्रियांशु भाई क्या लगता है, शुभम चाचा इस क्लिच पर खड़े हैं तो कितने रन बनाएंगे? अगर चाचा खड़े रहे तो अपनी टीम को जीत दिलाने में पूरा योगदान देंगे। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि दो 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 ढाई सौ रन का बना सकते हैं। तो अगले गेंदबाज है गौरव, तो गौरव पहली बार अपने बॉलिंग मार से एक बार फिर सामने है बल्लेबाज पवन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान देते हुए बल्लेबाज पवन। तो गौरव एक बार फिर अपने बॉलिंग मार से तैयार, सामने है बल्लेबाज पवन। दिशा से भटके हेमपायर सलमान खान का ऐसा वाइड बॉल, शाहरुख खान की स्टाइल में एम्पायर सलमान खान। अगली बार गौरव अपने बॉलिंग मार से एक बार फिर सामने है पवन। फिर दिशा से भटके एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, अगली बार गौरव अपने बॉलिंग मार से एक बार फिर सामने है पवन। और एक और अतिरिक्त बॉल एम्पायर सलमान खान द्वारा, वाइड बॉल का इशारा। नौ ओवर की प्रगति पर स्कोर है 98 रन, 5 विकेट के नुकसान पर जूनियर रेलवे कॉलोनी। चले हैं गेंदबाज गौरव एक बार फिर, सामने है बल्लेबाज पवन। फिर दिशा से भटके एम्पायर सलमान खान का ये सारा वाइड बॉल, काफी डिजाइन गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अपने ओवर में। तो अगली बार पवन अपने बॉलिंग मार, माफ कीजिएगा गौरव अपने बॉलिंग मार से होल्टोस गेंद उठाकर खेला देखना होगा। बॉल जाती हुई 2 रन के लिए और ओवर की समाप्ति। गेंदबाज गौरव काफी दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए फिर चले एक बार, सामने बल्लेबाज पवन। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं पवन, फिर उठाकर खेल दिया है, बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर।
6 गगन चुम्मी छक्का। तो अगली बार गौरव अपने बॉलिंग मार से एक बार फिर सामने है पवन। 9 ओवर की प्रगति पर स्कोर है 107, 5 विकेट के नुकसान पर रेलवे जूनियर। फुल टॉस गेंद उठाकर खेला, देखना होगा। एक जीवन दान मिलता हुआ और एक विकेट का पतन। शुभम को कर दी वापसी अपने डगआउट की ओर। और चच्चा को जाना होगा अपने डगआउट। चच्चा का मन था कि बैटिंग और कर लेते। चच्चा रो नहीं, कछु नहीं भाव। अब क्रीज पर होंगे दाकड़ बल्लेबाज मंटू, बादशाह के सफल गेंदबाज मंटू बादशाह। बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार बादशाह। एक बार फिर गौरव अपने बॉलिंग मार से सामने है बादशाह। गेंदबाज गौरव फिर चले एक बार सामने है बल्लेबाज बादशाह। हेलो, तो गौरव एक बार फिर सामने है पवन। काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड की जाती और ओवर के ओवर थ्रो के रूप में एक रन और ओवर की समाप्ति। तो 9 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 110 रन।